नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के न्यू अपडेट्स के बारे में। LIC 1 दिसंबर 2019 के बाद अपने सभी LIC प्लानों में कुछ नए बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव तीन प्रकार के हैं, जिनमें पहला है पॉलिसी रिवाइवल में परिवर्तन, दूसरा है पॉलिसी सरेंडर में परिवर्तन और तीसरा है LIC यूलिप प्लान सरेंडर में परिवर्तन। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोगों तथा हमारे LIC अभिकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। कई दिनों से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि LIC की सभी पॉलिसियां 30 नवंबर 2019 के बाद बंद हो रही हैं। दोस्तों, ये पॉलिसियां बंद नहीं हो रही हैं, बल्कि इन पॉलिसियों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। आखिर यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, आपको याद होगा कि LIC ने 2013 में अपनी सभी पॉलिसियां बंद कर दी थी। बंद करने का कारण यह था कि उन सभी पॉलिसियों में सर्विस टैक्स नहीं था। इस कारण LIC को IRDA के निर्देशों के अनुसार सभी पॉलिसियों को बंद करना पड़ा और 2013 के बाद जो भी पॉलिसी लॉन्च की गई, सभी में सर्विस टैक्स यानी GST लागू किया गया। ये तो रही सर्विस टैक्स यानी GST की बात, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अब LIC के प्लानों को बंद या उनमें बदलाव क्यों किया जा रहा है, यह जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2013 के बाद जितनी भी LIC पॉलिसियां लॉन्च की गई हैं, उनमें रिवाइवल पीरियड, सरेंडर पीरियड तथा यूलिप प्लान सरेंडर पीरियड को लेकर परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो आइए इन परिवर्तनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं LIC पॉलिसी रिवाइवल पीरियड। दोस्तों, 2013 से पहले की सभी पॉलिसियों में रिवाइवल पीरियड 5 साल का था। मतलब यदि आपकी LIC पॉलिसी 5 साल से बंद है या लैप्स हो गई है, तो आप अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते हैं। लेकिन 2013 के बाद की सभी पॉलिसियों में रिवाइवल पीरियड 2 साल का है। मतलब यदि आपकी LIC पॉलिसी 2 साल से बंद है या लैप्स हो गई है, तो आप अपनी बंद LIC पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते हैं। और यदि आपकी पॉलिसी को लैप्स हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इसे चालू नहीं करा सकते हैं और पॉलिसी होल्डर को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को सुधारने के लिए IRDA ने LIC को रिवाइवल पीरियड को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के आदेश दिए हैं, जो लोगों के हित में है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर पीरियड की। दोस्तों, LIC की ज़्यादातर सभी पॉलिसियों में सरेंडर पीरियड 3 साल का है। मतलब यदि आप LIC की पॉलिसियों को लेने के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी को 3 साल तक प्रीमियम भुगतान करके चालू रखना पड़ेगा, तभी LIC की ज़्यादातर पॉलिसियां सरेंडर वैल्यू को प्राप्त करती हैं। इसके बाद ही आप अपने LIC पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर LIC पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को 3 साल तक चालू नहीं रख पाते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को सुधारने के लिए IRDA ने LIC को पॉलिसी के सरेंडर पीरियड को 3 साल से घटाकर 2 साल करने का आदेश दिया है, जो लोगों के हित में होगा। अब आप LIC पॉलिसी को 2 साल के बाद भी सरेंडर कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं यूलिप प्लान सरेंडर पीरियड। दोस्तों, LIC में कुछ प्लान यूलिप प्लान भी हैं, जिन्हें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं, जो शेयर मार्केट से लिंक होती हैं। यूलिप प्लान को आप 5 साल के बाद ही सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन IRDA के निर्देशानुसार अब इसकी अवधि घटाकर 3 साल कर दी गई है। अब आप 3 साल के बाद भी यूलिप प्लान को सरेंडर करा पाएंगे। इन सभी तीन परिवर्तनों को आप LIC द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में भी देख सकते हैं। सर्कुलर में तीनों परिवर्तनों के बारे में ही बताया गया है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। किन किन प्लानों में परिवर्तन किया जाएगा, ये आप LIC के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में भी देख सकते हैं। इन्हें आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन इन LIC प्लानों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इनमें तीनों प्रकार के परिवर्तन करके 1 दिसंबर 2019 से फिर से चालू कर दिया जाएगा। यदि कुछ अन्य परिवर्तन जैसे प्रीमियम या बोनस आदि में परिवर्तन किया जाता है, तो इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से 1 दिसंबर 2019 के बाद ही देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह थी LIC के कुछ न्यू अपडेट्स। यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि LIC के न्यू अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।